Hello everyone, namaste, welcome back to my YouTube channel Kunchlow. My name is Gaurish. As you all might have known, NTA has finally announced the date of NEET 2022 examination. It is going to be held on 17th of July and therefore I decided to make this video in order to help you all. Agar aapne mere pehle bhi video, I do not believe in misleading you all. I will definitely not tell you what are the do or die chapters. 14 mein se 4 chapter kar loge to aapko 650 marks wagera aa jayega, nothing like that. You people need to understand, I have told this before in my videos as well, ki NEET jo hai 720 marks ka paper hai. 90 to 100 question bio ke aate hai, 45 to 50 physics and chemistry ke aate hai. Aisa ho hi nahi sakta ki ek do chapter karne se aap majority aapka paper cover kar lo. Definitely not. NEET is prepared in such a way that har ek chapter se kam ek question to definitely aayega. In today's video, however, what I'm going to tell you all is that what are the high yield chapter? What are the chapter जो आप कम समय में कंप्लीट कर पाओ और जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिले. द चैप्टर विच आर स्मॉल, रटने वाले चैप्टर हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, बट द क्वेश्चन डेफिनेटली कम्स फ्रॉम दोज चैप्टर. दोज आर द हाई यील्ड चैप्टर. ऑफ यू माइट हैव लिसनड ऑफ दिस प्रिंसिपल कॉल्ड एज परीटोज प्रिंसिपल, इन विच इट इज स्टेटेड दैट 20% ऑफ रिजल्ट और आउटकम एक्चुअली कम्स फ्रॉम ओनली 20% ऑफ इनपुट. दैट इज ऑल दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. सो प्लीज वॉच टिल द एंड, एंड एट द एंड डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ बोनस टिप दैट विल हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स इन नीट एग्जामिनेशन. ओके, सो नंबर वन पॉइंट डेफिनेटली बायोलॉजी. बायोलॉजी में से 90 टू 100 क्वेश्चन आने वाले. अब आपका पैटर्न चेंज हुआ है तो वो आप देख लो. डेफिनेटली हर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, बट देर आर सम चैप्टर्स जो मेरे को खुद को लगे अपने नीट देते समय दैट डेफिनेटली इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, एंड दैट वॉज डेफिनेटली बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर है जो पूरा यूनिट है, डेफिनेटली यू मस्ट ऑल डू दैट. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सेकेंड वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जेनेटिक्स. आई ऑल्सो बिलीव दैट जेनेटिक्स से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं. एंड वन विल डेफिनेटली बी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों बायोटेक्नोलॉजी से और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. बिकॉज इट देर वर कोविड टाइम्स और अभी भी यू नो देर आर अ लॉट ऑफ द पैंडेमिक इज नॉट कम्प्लीटली ओवर येट. सो देर फोर दे वॉन्ट टू आस्क दोज क्वेश्चन रिलेटेड टू RT-PCR एंड स्टफ लाइक दैट. सो देर फोर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू डू दोज चैप्टर एक्सट्रीमली वेल. वट आई ऑल्सो बिलीव इज कि वो इकोलॉजी के जो चैप्टर्स रहते हैं पूरे यूनिट का चैप्टर, उसमें बहुत ज्यादा रटने का होता है एंड वो सिंपल भी होते हैं, बट क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा याद करने का होता है पीपल यूजली निग्लेक्ट दैट. आई विल डेफिनेटली नॉट रिकमेंड निग्लेक्टिंग इकोलॉजी एट ऑल. इट हैज अ वेरी हाई परसेंट. रिमेनिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चैप्टर. क्वेश्चन आर गोइंग टू कम फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी, बट डेफिनेटली कम टाइम में आप ये सारे चैप्टर करके ज्यादा से ज्यादा स्कोर ला सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स जस्ट कम टू फिजिक्स. देखो, देखने के लिए तो मैं भी 11th और 12th पूरा अच्छे से फिजिक्स पढ़ के गया था, बट जब मैंने वो पेपर देखा एंड व्हेन आई सॉ द मैकेनिक्स पार्ट एंड द थर्मो पार्ट काइंड ऑफ मूव टुवर्ड मॉडर्न फिजिक्स, और मैंने मॉडर्न फिजिक्स ही पहले सबसे अच्छे प्रॉपरली सॉल्व किया, एंड लेट मी टेल यू ऑल दैट 25% ऑफ माई मार्क्स हैव एक्चुअली कम फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स. सो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दैट बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, इजी चैप्टर है of modern physics, whether it is semiconductor, you know, dual nature of light and atoms and nuclei, these are the chapters which can actually help you score great amount of marks agar aap usko properly karo. Har bar definitely photoelectric effect se to question aana hi hai, and so many questions are kind of repetitive. Koi standard wo question rehte wo aap properly kar lo, acche se pure concept samajh lo. Second thing what I would like to tell you is definitely do gravitation wala chapter and also do electrostatics, because both of the chapter are kind of linked, kind of similar concept rehte, complementary concept rehte, to isliye aap agar ek karoge to dusra aapka automatically kafi faster ho jayega and it definitely hold a lot of weightage. I would again like to tell you that current electricity, magnetism, iske jo chote chote concept hai kafi easy hai, aur wo agar aap ek bar yaad kar lo to aapko definitely wo zyada samay ke sath retain hoge, and you will be able to do the small chapter in a link and very properly of magnetism. So one more point that I would like to tell you all, that do not forget to do units and dimension. Bahut sare time bahut sare bacche unit and dimension chhod dete thinking ki ye to pehla chapter hai, easy chapter hai, stuff like that. Let me tell you, in NEET 2020 also and in NEET 2021 also, about 2 question came from unit and dimension. Aur agar 45 mein se 2 question ek chote se chapter mein se aa rahe, then that chapter has a lot of value. अगेन कोई बात ही नहीं, इफ टाइम्स अलाउ यू, मैकेनिक्स इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट. आई होप यू ऑल डू दैट वेल टू.
Before going further ahead in this video, I will definitely like to introduce you all to the NEET Prep Target Batch of NEET 2022 by none other than Aryan Raj Singh. In the target batch of NEET 2022, you will get target setting, which are the customized tests which you can take for physics, chemistry, biology. Are in flashcard available also, which help you in rapid revision. There are NCERT based tests which are also really really good, as each and every question come from the test book of NCERT. There are DPP generators which will help you generate DPP of your choice. They provide you NCERT ebook with audio explanation, which is also really good. Real test series for cash reward of about 50,000 rupees for the top 50 students. Remember that the course is 100% refundable. So if you get an MBBS seat in a government college, irrespective of your category, whether you are from open, OBC, SC, ST, whatever it is, you are going to get the complete amount back. So I think that is the most attractive feature of this batch. You will get all the link in the description. You can see the pricing on the screen. And for more detail, hit the link in the description box. Now coming to my favorite part, which is chemistry. Chemistry काफी अलग है biology और physics से, क्योंकि इसमें definitely तीन अलग अलग part है. And moreover than that, kind of हर part से ही similar amount of question आते हैं. So therefore it really become difficult to tell which are the important chapter and which are not. But I will tell you that chemical bonding is extremely important, क्योंकि वो inorganic का kind of base है. उससे आपको hydrogen, S block, P block, D, F block सब आ जाएंगे. मतलब सब आपको easier जाएंगे अगर आप वो कर लो अच्छे से. Similarly GOC kind of form base of complete organic chemistry. अगर आपको वो नहीं आया तो आपको बाकी के organic के chapter tough लगेंगे. And basic concept of chemistry also form base of physical chemistry. So these are the three most important chapter that you must do. और definitely मैं आपको बोलूँगा कि बहुत सारे लोग P block ignore कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा रहता है, difficult रहता है. मैं मानता हूँ कि वो बड़ा और difficult है, but please do not neglect it. उसमें what I would like to tell you that I have seen many people neglecting polymers and biomolecule and environmental chemistry and chemistry in everyday life. Please do not do those mistakes. ये सारे chapter छोटे हैं, रटने वाले हैं, easy है, आपको ये कम time में बहुत अच्छे marks लेके दे सकते हैं. 100% एक एक question तो minimum आएगा, जो आपका rank deciding question हो सकता है, जो आपके marks decide कर सकता है. So therefore please do not neglect this 4 chapter. आपको पता ही नहीं कि इक्विलिब्रियम और थर्मो में से कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे. उससे अच्छा आप ये कर लो फटाफट हो जाएगा. आपको चार क्वेश्चन तो यही मिल गए. सो देयरफॉर डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट. ऑर्गेनिक में अगर आप सारे नहीं कर पाओ तो जीओसी के बाद आप डेफिनेटली अल्कोहल, फिनॉल, ईथर आपको करना ही है. उसके बाद आपको एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर भी 100% करना है. One more thing that I would like to tell you all, that the four chapters on beginning of 12th standard chemistry, which are solutions, chemical kinetics, electrochemistry, surface chemistry, those are really easy chapter, छोटे छोटे. अगर आप उनको properly कर लो तो वो बहुत देर तक retain होते हैं. They are not volatile at all. उनसे भी question definitely आते हैं, standard question आते हैं. तो आप अगर 20% भी अच्छे से कर लो तो आपको बहुत अच्छा result मिल सकता है at the time of your NEET paper. So do not forget to do that. At the end, as always, I would like to give you all a very important bonus tip. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम chapter छोड़ देते हैं या फिर हमसे गलती से छूट जाता है. And many a times we do not feel like doing this chapter. We don't feel confident in the chapter. I would like to tell you all a very important bonus tip, that at least cover previous year question. If you do previous year question really well, then you are going to get good marks. Because kind of बहुत बार question जो है वो repeat होते हैं. और अगर आप पूरा chapter नहीं कर पाओ तो आप properly कम से कम previous year अच्छे से ढंग से पढ़ के जाओ, उनके option अच्छे से देखो, वो पढ़ो उससे related content in your book, and you will able to get good amount of marks. So therefore 100% do not neglect doing any chapter's previous year questions. That is all for today's video, you guys. I hope you all like it. Please do like, comment, share and subscribe to my channel Kunchlo. For more update, you can follow me on Instagram. And at the end, it is very important to be happy. So be happy.